सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी ब्लॉग्स। सो गाइज आमी राहुल एंड आमी ईप्सिता। सो गाइज आज के आमरा होच्छे OMG 2A ट्रेलर रिव्यू करते चलेछि। एर प्रिवियस वीडियोते आमरा टीजारटाके रिव्यू करेछिलाम आर आज के आमरा ट्रेलरटाके करब। सो चलो देखो गाइज स्टार्ट करा जाक। मेरे भक्त में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। कांति सरन मुद्गल वर्सेस कांति सरन। इसलिए गलत लिखो है, ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है, क्या हो रहा है? आपसे तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना। कांति के अभाव का झोला यहाँ नहीं पड़ सकता है। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारे एडमिशन करवाऊ वही कर ही दिया। बच्चे ग्रेड में बैठाते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं 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 गलत करते हुए पाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े हो गए, आपत्ति है तो खड़े हो गए। खड़े हो तो देखिए, खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े हो गए ऑब्जेक्शन के लिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। सनातन धर्म के चार स्तंभ है, उन्हें आप मुस्लिम कह रही। आप मुझे शायद के सामने क्यों नंगा कर रही हो? जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता। इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से। आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो शिव के दास। नहीं, शिव के पास। सो 11 अगस्ते আসছে। প্রিভিয়াস টিজারেই বলে দিয়েছিল, ঠিক আছে। তো এখন শ্রাবণ মাস চলছে, জানো এবারে শ্রাবণ মাসটা 60 days এর। তো তাই জন্য শ্রাবণ মাসে এটা রিলিজ হচ্ছে মুভিটা। তো ট্রেলারটা দেখলাম, তো ট্রেলারটা দেখে যা বুঝলাম, তো স্টোরিটা তোমাদেরকে বোঝাই যাচ্ছে তোমরা যারা পার্ট ওয়ানটা দেখেছো। তো পার্ট ওয়ানটাই মডেল একটা আছে কোর্টের ওপরে বেস্ট, ঠিক আছে। আর হচ্ছে লাইফ মানে একটা বাচ্চার লাইফটাতে হচ্ছে পড়ার চাপে যে ও পাস না করাতে বা সামথিং কিছু সুসাইড করেছে, অ্যাটেন্ড করতে গেছিল কিন্তু হতে দেওয়া হয়নি। বাট ওখানটাই সিনটা দেখানো হয়েছে, ট্রেনটা মানে ওকে ট্রেনটায় ওকে ইয়ে করছে। বাট কী হয় এটা দেখা যাক যে মহাদেব কী করে ওকে সেভ করেছে ওইখান থেকে, ঠিক আছে। তো এইটাই মুভিতে তখন হচ্ছে মহাদেব খাবার কেনার পর আশীর্বাদ করে চলে যাচ্ছে, তখন
যে আর কি খাবার দোকানওয়ালাটা বলছে আশীর্বাদ চাই না আমার হচ্ছে পয়সা চাই, পয়সা দাও। আরে সে ও ও কি করে জানবে যে ভগবান, তাই না? একটা সাধারণ আমরাও যদি দোকানে যাই একটা তোমরাও করতে পারো, তো এইটাও এই গল্পতে মানে দেখান দেখিয়েছে মানে হলো, ঠিক আছে, তো গল্পটা খুব ভালো হবে আই হোপ। কেন কি পার্ট ওয়ানটা তো ভালো হয়েছিল, ট্রেলারটা দেখে হচ্ছে ভালোই আছে। আর পঙ্কজ ত্রিপাঠীর অ্যাক্টিং তো সবাই জানেনই, খুব ভালো করে, ঠিক আছে। আর অক্ষয় কুমার কাছে সাজিয়েছে আর কি শিবের মতো, ভালো তো ভালোই লাগছে দেখতে। দেখা যাক মুভিটা কেমন হয়, মুভিটা দেখা যাক কেমন হয়। সো চলো এতটুকু।